गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था मल्टीप्लेक्सर को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि मल्टीप्लेक्सर जो है टॉपिक थोड़ा बड़ा है और उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है, तो मैंने कल आपको मल्टीप्लेक्सर का ओवरव्यू दिया था, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। देन मल्टीप्लेक्सर का ओवरव्यू के बाद मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है, ठीक है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो सबसे जो छोटा मल्टीप्लेक्सर होता है, मिनिमम मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अब इसके बाद हम चलते हैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे हमें डिजाइन करना है कैसे इंप्लीमेंट होगा। 4:1 का मतलब है कि चार इनपुट हैं और एक आउटपुट है। सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, हाउ मैनी सिलेक्शन लाइन, एम इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि लॉग एम बेस टू, तो लॉग एम हो गया 4 इनपुट बेस 2, तो 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, लॉग 2 बेस 2 हो जाएगा 1, तो 2 सिलेक्शन लाइन लगेंगी। ठीक है, इसका अगर हम आईसी देखते हैं तो ये होगा, मल्टीप्लेक्सर ये आउटपुट हो गया, चार इनपुट हैं, हमने मान लिया I0, I1, I2 एंड I3। दो सिलेक्शन लाइन है, तो दो सिलेक्शन लाइन का मतलब है हमने मान लिया एक है S1 और दूसरा है S0। ठीक है, दो सिलेक्शन लाइन S1 एंड S0। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल में देखेंगे क्या होगा। सिलेक्शन लाइन है सबसे पहले, तो सिलेक्शन लाइन और आउटपुट, तो सिलेक्शन लाइन हमने माना है S1, S0, आउटपुट है मान लिया मैंने Y। सिलेक्शन लाइन, दो सिलेक्शन लाइन है तो चार पॉसिबिलिटी होंगी, 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। ठीक है, 0, 0 पे क्या सिलेक्ट कर रहा है, पहले वाला I0, 0, 1 मतलब हो गया 1 वाला सिलेक्ट कर रहा है I1, तो आउटपुट पे आया I1, 1, 0 मतलब 2 यानी कि I2 को सिलेक्ट कर रहा है, और 1, 1 मतलब 3 यानी I3 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया ट्रुथ टेबल, हो गया एक तरह से, इसके लिए टेबल सिलेक्शन लाइन है और आउटपुट क्या आएगा। अब Y है जो आउटपुट, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, बूलियन एक्सप्रेशन, वो लिख लेते हैं हम, आउटपुट Y, ये देखिए 0, 0 तो मतलब क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे मेन टर्म्स होगा, तो S1 बार S0 बार S1 बार एंड S0 बार इंटू I0, ये कल मैंने आपको बताया था। और ये कि देखिए 0, 1 है तो S1 बार इंटू S0 इंटू क्या होगा I1, ये देखिए I1 हो गया, फिर S0 बार इंटू I2, तो प्लस S0 बार इंटू I2, फिर प्लस S1 S0 इंटू I3। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, डिजाइन करना है, और डिजाइन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, प्रोडक्ट टर्म है, और प्रोडक्ट टर्म के लिए क्या होगा, एंड गेट, और सबको जोड़ना है तो एक और गेट। तो मैंने मान लिया कि सिलेक्शन लाइन, दो सिलेक्शन लाइन है, एक है S1 और दूसरा है S0, तो ये मान लिया मैंने S1 है और उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, तो एक इन्वर्टर यूज कर लिए,
ये हो गया एस वन बार, देन एस जीरो और एस जीरो बार, तो ये हो गया देखिए एस वन, ये हो गया एस जीरो, ठीक है। अब तो अगर हमें एस वन चाहिए होगा तो यहाँ से मिल जाएगा इनपुट, एस वन बार चाहिए होगा तो ये इन्वर्टर से मिल जाएगा, सेम एस जीरो चाहिए तो इस लाइन से मिल जाएगा, और एस जीरो बार चाहिए तो इस वाले से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार एंड गेट होंगे क्योंकि चार प्रोडक्ट का, मैं तो पहला एंड गेट, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, चार एंड गेट हो गए, इन सबको जोड़ना है तो एक और गेट, ये आउटपुट वाई आ गया, ठीक। अब देखिए इनपुट दे देते हैं, पहला आप देख रहे हैं एस वन बार एस जीरो बार, एस वन बार एस जीरो बार, और इनटू क्या आई जीरो, तो आई जीरो मैंने देखे इनपुट दे दिया थर्ड इनपुट इस लॉजिक गेट के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे दूसरा क्या है एस वन बार एस जीरो बार, तो एस वन बार एंड एस जीरो, तो एस जीरो देखिए ये वाली लाइन है, यहाँ से इनपुट दे दिया, एंड आई वन, आई वन हमने यहाँ पे दे दिया, ये हो गया आई वन। अगला हम देखेंगे इनपुट क्या है एस वन एस जीरो बार, तो एस वन एस जीरो बार और आई टू, और लास्ट वाला क्या है एस वन एस जीरो, एस वन यहां से आया, एस जीरो यहां से आया, एंड यहां पे आ गया आई थ्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिजाइन हो गया 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर हमने डिजाइन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूँ, 4:1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि चार इनपुट होने चाहिए और एक आउटपुट, तो चार इनपुट है और एक आउटपुट, सिलेक्शन लाइन कितनी होनी चाहिए हम इससे निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू लॉग एम बेस टू, एम है डेटा इनपुट जो कि आपको चार दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे रखा सिलेक्शन लाइन दो आई, जिनको हमने मान लिया एस वन एस जीरो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे देखा दो सिलेक्शन लाइन है एस वन एस जीरो, आउटपुट वाई है, तो दो सिलेक्शन लाइन है, चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन, ठीक है। तो आउटपुट जीरो जीरो पे क्या आएगा, जीरो वाले को सिलेक्ट करेगा, जीरो इनपुट वाले को आई जीरो को सबसे पहले, जीरो वन यानी वन है ये, तो वन वाले को सिलेक्ट करेगा आई वन, वन जीरो है मतलब टू है यानी टू वाले को सिलेक्ट करेगा आई टू इनपुट को, और वन वन मतलब थ्री है तो थ्री वाले इनपुट को सिलेक्ट करेगा यानी आई थ्री को, ठीक है। उसके बाद हमने ये बुलियन एक्सप्रेशन लिख लिया इसका, एस वन बार एस जीरो बार इंटू आई जीरो प्लस एस वन बार एस जीरो इंटू आई वन प्लस एस वन एस जीरो बार इंटू आई टू, एस वन एस जीरो बार इंटू आई टू प्लस एस वन एस जीरो इंटू आई थ्री, एस वन एस जीरो इंटू आई थ्री, ये। और उसके बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया लॉजिक गेट से, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोडक्ट चार प्रोडक्ट हम है तो चार एंड गेट आ गए और सबको जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे एसओपी एक्सप्रेशन है तो एक और गेट, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि अब हमें इम्प्लीमेंट करना है हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स, यानी हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर हम लोअर ऑर्डर से कैसे बनाएंगे उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मक्स
यानी कि मल्टीप्लेक्सर का शॉर्ट फॉर्म मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। ठीक है, यानी यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। तो ये हमारा इसी में टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर में ही। तो देखिए, अब हमें इम्प्लीमेंट करना है हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर, और वो किसकी हेल्प से करना है, लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। तो जैसे प्रॉब्लम है, सबसे पहला कि इम्प्लीमेंट फोर रेश टू वन मार्क्स, ठीक है, इम्प्लीमेंट फोर रेश टू वन मार्क्स यूजिंग टू रेश टू वन मार्क्स। तो इम्प्लीमेंट यहाँ पे करना है हमें फोर रेश टू वन मल्टीप्लेक्सर यूजिंग टू रेश टू वन मल्टीप्लेक्सर। सबसे पहला ये काम होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इम्प्लीमेंट करना है हमें फोर रेश टू वन मल्टीप्लेक्सर यूजिंग टू रेश टू वन मार्क्स, यानी हमें यहाँ पे क्या बनाना है, फोर रेश टू वन मल्टीप्लेक्सर बनाना है, लेकिन किसकी हेल्प से, टू रेश टू वन मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। तो फोर रेश टू वन मल्टीप्लेक्सर मतलब क्या हुआ, चार इनपुट एक आउटपुट, और हाउ मैनी सिलेक्शन लाइन, फोर रेस टू वन में टू सिलेक्शन लाइन। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग टू रेस टू वन मार्क्स, जिसमें क्या होता है दो इनपुट होते हैं एक आउटपुट और एक सिलेक्शन लाइन। तो सबसे पहला काम होगा नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर निकालना, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर फाइंड करना, तो देखिए हमें क्या बनाना है, फोर रेस टू वन बनाना है, ये बनाना है, और किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, जिसको बनाना है उसके इनपुट देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं चार है, और किसकी हेल्प से बना रहे हैं हम, इसकी हेल्प से, तो इसके इनपुट देखेंगे दो। तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाले इनपुट को इस इनपुट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो किसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हमें बनाना है उसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे, जिसकी हेल्प से हम बना रहे हैं उस इनपुट से। तो इस इनपुट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हमें बनाना है और जिसकी हेल्प से कर रहे हैं, तो उस इनपुट से डिवाइड कर रहे हैं, और तब तक उसी इनपुट से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि पूरा डिवाइड नहीं हो जाता, नहीं होगा तो वहाँ पे छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे है फोर रेस टू वन मतलब फोर बाई टू, तो आप जानते हैं दो दूनी चार होगा, दो बच रहा है तो दो फिर से डिवाइड हो जाएगा टू से, तो टू से ही करेंगे टू अपॉन टू। अब देखिए वन अब तो होगा नहीं टू से डिवाइड वन, तो इसलिए ये पूरा डिवाइड हो गया, तो दो और एक कितने हो गए, तीन मल्टीप्लेक्सर लगेंगे टू रेश टू वन। ठीक है, तो टू रेश टू वन मल्टीप्लेक्सर कितने लगेंगे, थ्री। अब देखिए अरेंज हमें कैसे करना है, अरेंज हमें तीन मल्टीप्लेक्सर करना है जिससे कि हमारा ये वाला डिजाइन हो जाए, और हम इसकी हेल्प से बना रहे हैं, इसलिए टू रेश टू वन मल्टीप्लेक्सर हमारे कितने यूज हो रहे हैं, थ्री। तो कैसे हम कनेक्ट करें कि दो कैसे कनेक्ट करें और एक को कैसे, क्योंकि जो डिवाइड होता है उसी में ही, उसी के रेशियो में हम लोग डिजाइन करते हैं। जैसे दो है फिर एक आया तो कुल तीन हो रहे, तो दो एक जगह होंगे और एक एक जगह होगा। अब उसके लिए हमें ये सोचना है कि पहले हम कौन सा लगाएं, एक लगाएं दो। अगर हम दो बाद में लगाते हैं तो आपको पता है टू रेश टू वन मल्टीप्लेक्सर दो होंगे, क्योंकि ये दो हैं तो टू रेश टू वन, तो टू रेश टू वन मतलब हो गया पहले वाले से एक आउटपुट आएगा, दूसरे वाले से एक आउटपुट, यानी आउटपुट कितने हो गए, दो। और जबकि मल्टीप्लेक्सर में एक ही आउटपुट होता है तो फेल हो जाएगा, इसलिए हम पहले एक नहीं लगा सकते हैं और बाद में दो नहीं लगा सकते। पहले हमें क्या करना होगा, दो मल्टीप्लेक्सर लगाना होगा और बाद में एक। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो मैंने क्या किया, टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे एक बनाया और एक और मल्टीप्लेक्सर मैंने बना दिया टू रेस टू वन, ये तो ये हो गया टू रेश टू वन मक्स, और ये हो गया टू रेश टू वन मल्टीप्लेक्सर। ठीक है,
अब देखिए एक बचा तो इसको एक यहां पे बना दिए, टू रेस टू वन मार्क्स। अब आगे चलते हैं, देखिए टू रेस टू वन है तो इसका मतलब क्या हुआ, दो इनपुट होंगे, दो इनपुट देखिए हमने मान लिया एक एक, ये भी टू रेस टू वन है यानी दो इनपुट होंगे, एक यहां पे एक यहां पे, ठीक है। अब देखिए एक आउटपुट है तो ये आउटपुट कहां गया, इसमें गया, और इसका भी एक आउटपुट है, ये भी आउटपुट कहां गया, इसमें गया। तो देखिए ये टू रेस टू वन यानी दो इनपुट होने चाहिए, देखिए दो हो गए, और एक आउटपुट होना चाहिए तो देखिए ये आउटपुट हो गया। तो फाइनल आउटपुट हमें कहां पे मिलेगा, ये हमने मान लिया वाई है सपोज दैट, ठीक है। अब देखिए चार इनपुट है क्योंकि ये टू रेस टू, क्योंकि हमें बनाना फोर इनपुट, फोर रेस टू वन हमें मल्टीप्लेक्सर बनाना है यानी चार इनपुट होंगे। तो दो इनपुट हमने मान लिया यहाँ पे आई जीरो है और यहाँ पे क्या है आई वन, और यहाँ पे क्या है आई टू, और यहाँ पे क्या है आई थ्री, ठीक। तो ये हमारा इनपुट हो गए, ये तो हो गए इनपुट आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री ये। अब सिलेक्शन लाइन का कंसेप्ट है, सिलेक्शन लाइन दो है हमारे पास क्योंकि फोर रेस टू वन है, तो फोर रेस टू वन में कितनी, क्योंकि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन इसकी हेल्प से, तो ये नहीं कि हम लोग एक ही सिलेक्शन लाइन देखेंगे, हाँ ये टू रेस टू वन है तो एक सिलेक्शन लाइन होगी, तो यानी टू रेस टू वन है ये भी टू रेस टू, तो यहाँ पे कॉमन सिलेक्शन लाइन होगा, और एक सिलेक्शन लाइन इसके लिए होगा क्योंकि ये भी एक टू रेस टू वन है, तो एक सिलेक्शन लाइन है यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों के लिए सेम होगा, ठीक। तो दो सिलेक्ट, फोर रेस टू वन में क्या होती है दो सिलेक्शन लाइन, अब सिलेक्शन लाइन है तो दो सिलेक्शन लाइन हमने मान लिया, देखिए एस वन एंड एस जीरो, ये हमारा सिलेक्शन लाइन हो गया। आउटपुट हमने मान लिया क्या है हमारा वाई, तो सिलेक्शन लाइन क्या है जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन। तो जब हम जीरो जीरो देंगे तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए आई जीरो, जीरो वन देंगे तो आउटपुट पे आई वन आना चाहिए, वन जीरो पे आई टू एंड वन वन पे आई थ्री, ठीक है। यही कंसेप्ट हमें देखना है। तो अब हमने मान लिया कि अभी देखो मैं आपको बताऊंगा कि आप मिस्टेक कहाँ करेंगे और कहाँ आपको मिस्टेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम देखेंगे, हमें नहीं पता है कि कौन सी सिलेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि दो सिलेक्शन लाइन है एस वन एस जीरो, इसमें से एक यहाँ पे देना और एक इनमें देना है, तो हम कौन सी सिलेक्शन लाइन दें नहीं पता है, मुझे पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी हम लोग देखते हैं, हमें मान लिया कि एस वन है एस जीरो, तो हमने मान लिया देखिए क्रॉस वेरीफाई करेंगे, एस वन यहाँ पे दिया, ठीक है एस वन यहाँ पे दे दिए, यानी ये कॉमन है तो एस वन यहाँ भी देना पड़ेगा, ठीक, और एस जीरो हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब देखिए हम जो ले रहे हैं ये, तो इन पे आउटपुट ही आना चाहिए। हमने मान लिया पहला वाला हमने उठाया जीरो जीरो, एस वन जीरो है, या कोई भी एक उठा सकते हैं, मैं आपको सभी पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूँ, एस वन जीरो है और ये भी क्या है जीरो, तो यहाँ पे भी क्या होगा जीरो। देखिए टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर है, मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था, टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, जब सिलेक्शन लाइन जीरो होगा तो पहले वाले को सिलेक्ट करेगा, वन होगा तो दूसरे वाले को, तो देखिए यहाँ पे जीरो दिया हम तो इसको सिलेक्ट करेगा यहाँ से, तो यहाँ से आ गया आई जीरो, और इसमें भी एस वन जीरो है तो इसमें भी पहला वाला सिलेक्ट करेगा। टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर है, टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर का मतलब है जीरो देंगे तो पहले वाला सिलेक्ट करेगा, वन देंगे तो दूसरा वाला। देखिए जीरो दिए तो पहले वाला सिलेक्ट किया, और यहाँ पे भी जीरो दिए तो पहले वाला क्या आएगा आई टू, ठीक है। आगे देखिए इसके दो इनपुट हो गए आई जीरो आई टू, अब सिलेक्शन लाइन जीरो है तो जीरो पे किसको सिलेक्ट करेगा, पहले वाला यानी आई जीरो, आउटपुट पे क्या आ गया आई जीरो, तो ये तो सही है, हमने जीरो जीरो दिया आई जीरो आ गया। दूसरा देखते हैं, अगर हमने ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं एस वन जीरो है एस जीरो वन, एस जीरो वन एस वन जीरो, ये भी जीरो है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हमने क्या किया कि एस वन की वैल्यू क्या है जीरो ले ली है और एस जीरो क्या है वन है, तो यहाँ पे देखिए एस वन जब हम जीरो देंगे तो इसमें क्या किसको सिलेक्ट करेगा, पहले वाला, तो आउटपुट पे क्या आएगा आई जीरो, इसमें एस वन जीरो है तो किसको सिलेक्ट करेगा पहले वाला, तो आउटपुट पे क्या आएगा आई टू। अब
एस जीरो की वैल्यू क्या है, वन, तो टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर है जिसके दो इनपुट है आई जीरो एंड आई टू। जीरो देते तो यहाँ पे जीरो होता तो इसको सिलेक्ट करता, वन है तो किसको सिलेक्ट करेगा, इसको, यानी आउटपुट पे क्या आएगा आई टू। तो जब हमने सिलेक्शन लाइन जीरो वन दिया, एस वन जीरो और ये वन, तो आउटपुट पे क्या आ रहा है आई वन आना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा है आई टू। आई टू इसका मतलब है कि सिलेक्शन लाइन जो हमने अप्लाई किया है मल्टीप्लेक्सर में वो रॉन्ग है। तो सिलेक्शन लाइन यहाँ पे चेंज करना होगा अब हमें, और फिर वेरीफाई करेंगे कि सही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलेक्शन लाइन अब बदल दिया है, मैंने क्या किया एस जीरो अब यहाँ पे दे दिया और एस जीरो यहाँ पे दे दिया और एस वन यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं कि आउटपुट आ रहा है नहीं। इतना समझ में आ गया कि जब हमने एस वन एस जीरो दो सिलेक्शन लाइन है, एक यहाँ देना है और एक यहाँ देना है कॉमन, तो हमने जब एस वन यहाँ दिया था और एस जीरो यहाँ दिया था तो हमारा आंसर गलत आ रहा था, आउटपुट जो नहीं आ रहा था। इसका मतलब है सिलेक्शन लाइन का जो हमने सिलेक्शन लाइन हमने यहाँ पे डिसाइड किया था वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन था। अब हमने क्या किया ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं, जीरो जीरो वाला तो हमारा लग रहा है आ ही जाएगा, एक बार फिर चेक कर ले रहे हैं, ये भी कर लेंगे। ये देखिए जीरो है, ये देखिए जीरो है, ये देखिए वन, हाँ जीरो है, सॉरी। जीरो वाले पे किसको सिलेक्ट करेगा, पहले को, यहाँ भी जीरो वाले को किसको सिलेक्ट करेगा, पहले को, और ये टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर है तो एस वन जीरो है तो किसको सिलेक्ट करेगा आई जीरो, तो आउटपुट पे आ गया आई जीरो, पहला सही है। दूसरा लेते हैं एस वन जीरो है, एस जीरो वन है, एस वन जीरो है और एस जीरो क्या है वन, ये वन। अब देखिए ये टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर है, जब सिलेक्शन लाइन वन होगा वन पे किला किसको सिलेक्ट करेगा, दूसरे वाले को, तो यहां से हो गया आई वन। और यहां देखिए यहां पे क्या होगा सिलेक्शन लाइन, फिर यहां पे हमने वन है तो किसको सिलेक्ट करेगा, दूसरे वाले को, यानी आई थ्री, तो यहां पे आएगा आई थ्री। अब देखिए यहां पे सिलेक्शन लाइन जीरो है तो जीरो पे किसको सिलेक्ट करेगा, इन दोनों में से एक इनपुट है आई वन दूसरा है आई थ्री, पहले वाले को सिलेक्ट करेगा तो आउटपुट में क्या आएगा आई वन। तो सिलेक्शन लाइन एस वन एस जीरो जीरो वन, एस वन एस जीरो जीरो वन, आउटपुट क्या आना चाहिए आई वन, आउटपुट आ रहा है आई वन। एक और चेक करते हैं वन जीरो, अब हमारा एस वन क्या हो गया वन हो गया और एस जीरो क्या हो गया जीरो। देखिए अब क्या होगा, जीरो पे किसको सिलेक्ट करेगा, पहले वाले को, यानी यहाँ पे क्या आएगा आई जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा जीरो पे किसको सिलेक्ट करेगा, पहले वाले को, यानी आई टू। अब देखिए सिलेक्शन लाइन वन है तो ये दो इनपुट है, इस टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर के दो इनपुट है, एक आई जीरो दूसरा है आई टू, तो वन पे किसको सिलेक्ट करेगा, दूसरे वाले को, तो आउटपुट पे क्या आएगा आई टू। तो देखिए आई टू आया हमारा जब हमारी सिलेक्शन लाइन वन जीरो है, एस वन वन है और एस जीरो जीरो है, तो देखिए क्या आना चाहिए आई टू। आई थ्री वाला भी चेक कर ले रहे हैं, वन वन हो गया सिलेक्शन लाइन, वन 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 वन, तो देखिए वन पे ये टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर है, वन पे किसको सिलेक्ट करेगा, दूसरे वाले को आई वन, यहां से किसको सिलेक्ट करेगा, दूसरे वाले को आई थ्री, ठीक है। अब इस ये दो इनपुट हो गए इस टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर, एक आई वन और दूसरा आई थ्री, तो वन पे किसको सिलेक्ट करेगा, दूसरे वाले को, तो आउटपुट पे क्या आएगा आई थ्री। तो देखिए ये भी सही है, तो हमारे चारों आउटपुट सही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने सिलेक्शन लाइन डिसाइड किया है ये सही है। एस वन हम यहाँ पे देंगे और एस जीरो जो है यहाँ पे, तो जो भी हम ट्री बना रहे हैं मल्टीप्लेक्सर ट्री, उसमें क्या होगा कि जहाँ पे आप देखेंगे कई सारे मल्टीप्लेक्सर, वहाँ पे एक कॉमन सिलेक्शन लाइन होगा और रिमेनिंग में दूसरा होगा, और हो सकता है और भी बड़ी स्टेट हो तो उस स्टेज में क्या है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन लाइन हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे दो मल्टीप्लेक्सर थे जिनमें आप देख रहे हैं टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था फोर रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर यूजिंग टू रेस टू वन मल्टीप्लेक्सर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टू रेस टू वन ये है, दूसरा टू रेस टू वन ये है,
और थर्ड वाला ये है। तो यहाँ पे 2:1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या होगा, दो इनपुट एक आउटपुट, इसके भी दो इनपुट एक आउटपुट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सिलेक्शन लाइन है, क्योंकि 4:1 बना रहे हैं और ये 2:1 है, तो दो देखिए दो इनपुट एक आउटपुट, 4:1 का मतलब है कि दो सिलेक्शन लाइन, एक सिलेक्शन लाइन होगा इन दोनों मल्टीप्लेक्सर के लिए कॉमन होगा, और एक सिलेक्शन लाइन किसके लिए होगा, इसके लिए। तो हमने जो सिलेक्शन लाइन का सिलेक्शन किया है वो सही ये है, जिसमें हमने S1 यहाँ पे माना और S0 यहाँ पे माना। और इससे पहले हमने देखा था कि सिलेक्शन लाइन जब हमने S1 यहाँ लिया था और S0 यहाँ पे लिया था, तो उसमें आउटपुट गलत आ रहा था, यानी वो क्या था, सिलेक्शन गलत था जो है आपका सिलेक्शन लाइन का। तो वहाँ पे सिलेक्शन गलत था सिलेक्शन लाइन का, इसलिए आपको सिलेक्शन लाइन ये सिलेक्ट करना होगा, ये सही है। इसीलिए मैंने आपको पहले एक गलत बताया है, जिससे कि आप गलती ना करें, ठीक है, इसीलिए बाद में मैंने आपको सही बताया। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट भी आपको चेक करके बताया और सभी आउटपुट आपके आ गए हैं, सही आ गए, ठीक है। अब हम ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसी में अब हम जो है अभी मल्टीप्लेक्सर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये सेकंड पार्ट था मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है इस ट्री में, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर, तो इस केस में आप किसी भी स्टेप में पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि ये हमने सिलेक्शन लाइन यहाँ पे दिया है, S1 यहाँ क्यों नहीं दिया, S0 यहाँ, तो वो भी मैंने आपको केस बताया है। तो कहीं भी इसके रिगार्डिंग कहीं कन्फ्यूजन होता तो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट, ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टीप्लेक्सर से, ठीक है। ओके, थैंक यू।